मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव बीते 2 महीनों से पवई जेल में बंद हैं। उनसे पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया मिलने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक जेल के अंदर ही दोनों की मुलाकात हुई व हालचाल जाना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आने पर उनका लिखा जोखा लिया जाएगा। इस तरह उन्होंने जिले में रेत उत्खनन, अराजकता, भ्रष्टाचार, गरीबों का शोषण आदि को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये फोटो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और आप देख ही रहे किस तरह से सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। झूठा केस राजा पटेला जी पे लगा दिया गया। पिछले 2 माह से हमारे नेता जेल में हैं।